हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग चॉकलेट केक पॉप्स बनाना शुरू करते हैं। आप इसे केक बॉल्स या केक पॉप्स जो कहना चाहे कह सकते हैं। इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए खाली। और पहला तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है। ये 1.5 किलो के करीब का चॉकलेट स्पॉन्ज है। आप चाहें तो घर पर भी चॉकलेट स्पॉन्ज बना सकते हैं या बाजार से भी ले सकते हैं, या आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। हमें बस चॉकलेट स्पॉन्ज को लेना है, उसे अच्छे से क्रम करना है, पूरा उसे अच्छे से चूरा करना है, जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ कर रही हूँ। बस उसे अच्छे से तोड़कर हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप ये केक पॉप्स तभी भी बना सकते हैं अगर आपने कोई केक स्पॉन्ज बेक किया हो और वो स्पॉन्ज ठीक से ना निकला हो। तो उस टाइम पे भी अगर क्रैक्स हो केक स्पॉन्ज में बहुत सारे, तो आप सोचेंगे इसका क्या करना है। तो इस टाइम पे आप उसे केक पॉप्स बना के रीयूज कर सकते हैं पूरा केक फेंकने के बजाय। बस हमें इसमें आधा कप चॉकलेट गनाश ऐड करना है। चॉकलेट गनाश ऐड करने से इसे एक डो का शेप मिल जाएगा और इस केक को और फ्लेवर मिलेगा। इसका चॉकलेट इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। आप चाहें तो इसमें डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, जो आपका मन चाहे उसका गनाश बना के डाल सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, बट बच्चों को चॉकलेट अच्छा लगता है तो आप चॉकलेट गनाश का यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चॉकलेट गनाश की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब ली थी। आप जैसे डो अच्छे से हमारा सॉफ्ट डो फॉर्म हो जाए उस हिसाब से हमें गनाश डालना है। तो आप गनाश डालने के बाद एक बार रोल करके देखें, अगर अच्छे से बॉल के शेप में रोल हो रहा है तो आप उतना ही गनाश रहने दीजिए, नहीं तो अगर आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा 2-3 टेबल स्पून और डाल सकते हैं। यहाँ पर बस हमें इस अभी जो केक डो बनाया है हमने, उसे अच्छे से छोटे छोटे बॉल्स में रोल करना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रोल कर करके रख रही हूँ अच्छे से। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश लिया है, उसमें मैंने 1 से 2 टेबल स्पून दूध ऐड किया है जिससे ये थोड़ा सा पतला हो जाए और हमें इस जो हमने बॉल बनाए हैं केक के उसे कोट करने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फोक की मदद से इसे अच्छे से चॉकलेट गनाश में कोट कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट करके इसको डिप करके रख सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि जब डार्क चॉकलेट सेट हो जाएगी तो कड़क हो जाता है, तो वो ब्रेक होता है थोड़ा सा। तो आप मैं एडवाइस करूँगी आप गनाश ही लें तो वो सॉफ्ट रहता है लास्ट, मतलब ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे बॉल्स को कोट करके एक डिश में निकाल लिया है। अब हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे जो एक्सेस चॉकलेट है, जो गनाश एक्सेस बचा हुआ है, वो डिश पर आ जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दूसरे डिश में फोक की मदद से जो भी एक्सेस चॉकलेट है उसको हटाते हुए सिर्फ केक बॉल्स को रखा है जिससे हमें एक थोड़ा स्मूथ फिनिश मिले। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे चॉकलेट बॉल्स अच्छे से दूसरे डिश में ट्रांसफ़र कर लिए। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, आपके पास कोई अलग स्प्रिंकल्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पर मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स डाला है जैसे आप थंबनेल में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश को ही थोड़ा सा वापस से मेल्ट करके पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था, मैं उसी से इसको गार्निश करूँगी। इस जब आप ये रख दीजिए, जब इसे अच्छे से, तो इसे आप फ्रिज में सेट करने के लिए रख दीजिए 5 से 10 मिनट, जिससे ये जो गनाश है थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो आपको काम करने में इजी रहेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने पाइपिंग बैग में फिर से गनाश ही भरा है और उससे मैं ऐसे जिगजैग लाइंस कर रही हूँ इसके ऊपर, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। तो प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए इस दिवाली में, बच्चों के साथ बनाइए, उन्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद आएंगे। और प्लीज़ मेरे साथ अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का मैं बहुत वेट करूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे चॉकलेट केक बॉल्स रेडी हुए हैं, तो प्लीज़ इसे इंजॉय कीजिए। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।